अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एहतसाब के लिए दीगर तरीके भी मौजूद हैं, आइन को तोड़कर दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। सदर मुमलिकत आइन की पासदारी करे, रात के अंधेरे में एक गवर्नर को हटाया लेकिन हमारे समरी को रख कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, ये तकलीफ दे फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन को 7 माह दरकार हैं, इसके मुताबिक ही फैसला होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की है। उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के मुबारकबाद ट्वीट पर उनका शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वजीर आजम ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान में तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों के फरोग के लिए किए गए काम को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने दो तरफा तआमुन को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर आजम हाउस के अलावा किसी और जगह कैंप ऑफिस बनाने की खबरें बेबुनियाद हैं। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आजम हाउस के अलावा किसी और जगह कैंप ऑफिस बनाने की खबरें बेबुनियाद और झूठ हैं। वफाकी वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मीडिया और समाजी राब्तों की वेबसाइट पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरें फैलाने का सिलसिला है। वजीर आजम हाउस के अलावा किसी और जगह को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने की खबरें बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है, जबकि पुलिस फोर्स और इंतजामी अमले की किसी भी जगह तैनाती की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मीडिया के साथियों से गुजारिश है कि ऐसी किसी भी बेबुनियाद खबर नशर करने से पहले तस्दीक कर लें और सोशल मीडिया सार्फीन भी ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तर्द करें। वफाकी वजीरे सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पम्स अस्पताल का अचानक दौरा। वफाकी वजीरे सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पम्स अस्पताल का अचानक दौरा किया, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वफाकी वजीरे सेहत अब्दुल कादिर पटेल सुबह सवेरे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाकिया पम्स अस्पताल पहुंच गए। अब्दुल कादिर पटेल ने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। पम्प्स की फार्मेसी के साथ उन्होंने अस्पताल में अद्वियात की फराहमी का जायजा भी लिया। कादिर पटेल ने अमले को हिदायत की है कि अवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, स्टाफ दुखी इंसानियत की खिदमत में किसी किस्म की कोताही ना करें। अब्दुल कादिर पटेल ने यह भी कहा कि मरीजों के इलाज में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुयस्सर इकदाम किए जाएंगे। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज रिजवी की अदम दस्तियाबी के बायस रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट मंसूख कर दी। शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त दायर की हुई है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की आखिरी मरतबा समाअत 20 जनवरी 2020 को हुई थी। अदालत ने 16 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद कराची हैदराबाद ठट्टा सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, सिंध भर के तमाम न्यूज पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट खाम तेल $160 का हो गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक ही रोज़ बड़ी कमी देखने में आई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल फी बैरल $6 सस्ता होकर $160 का हो गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $5.66 कमी हुई, फी बैरल कीमत $102.50 हो गई। इधर सोने और कीमती धातुओं की कीमत गिर गई। अमरीकी डॉलर में सरमायाकारी बढ़ने से सोने के रेट कम हुए। सोने की फी औंस कीमत $34 की कमी से $1952 हो गई। चांदी की फी औंस कीमत 86 सेंट की कमी से $25.29 हो गई। कॉपर की फी ग्राम कीमत 10 सेंट की कमी से $4.59 हो गई। प्लैटिनियम की फी ग्राम कीमत $28 की कमी से $991 रिकॉर्ड की गई। प्लैटिनियम की फी औंस कीमत $80 गिरकर $2,365 पर आ गई। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी का इम्कान। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी का इम्कान पैदा हो गया। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ में कमी का खदशा है। IMF के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह नमू 4.0% रहने का इम्कान है।
करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 5.3% और महंगाई की शरह 11.2% रह सकती है। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई की शरह में कमी का इम्कान है। माली साल 2022-23 में महंगाई की शरह 10.5% तक रहने की पेशगोई है। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की शरह 8.9% थी। रवां माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% रहने का इम्कान है। भारतीय फौजियों की व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हसास मालूमात लीक होने का इंकशाफ। भारतीय फौजियों की व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हसास मालूमात लीक होने का इंकशाफ हो गया। 3 साल पहले की बात है। भारतीय बहरिया के कुछ अहलकारों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया। वजह ये थी कि भारतीय बहरिया के ये अहलकार सोशल मीडिया पर खवातीन का रूप धारे चंद एजेंडों के जाल में फंस गए थे। वो तो था 3 साल पहले का वाकया। अब एक बार फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई है जिसको भारतीय मीडिया मेगा सिक्योरिटी ब्रिज करार दे रहा है। हुआ कुछ यूं कि फौज के आला अफसरों ने पाबंदी के बावजूद अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में दिफाई हिकमत अमली पर आजादाना तबादला ख्याल करते रहे। भारतीय फौजी अफसरों की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने के इंकशाफ के बाद इंटेलिजेंस में खलबली मच गई है और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि कहीं हसास मालूमात किसी दूसरे मुल्क के हत्थे तो नहीं चढ़ गई, क्योंकि तहकीकात के मुताबिक इस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ गैर मुल्कियों की भी मौजूदगी पाई गई है। वाकई की तहकीकात की जा रही है। अफसरों को 14 साल तक कैद हो सकती है। पीटीआई के जलसे के हवाले से रैली। हमाद असर, फवाद चौधरी और कासिम सूरी शरीक हुए। पीटीआई ने जलसे के हवाले से लाहौर में रैली निकाली। हमाद असर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और कासिम सूरी भी शरीक हुए। पीटीआई की लाहौर में बड़े पावर शो की तैयारियां जारी हैं। मीनारे पाकिस्तान पर 40 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। स्टेज पर ब्रांडिंग की जा रही है। जलसे गांव में लाइटों की तस्नीक कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कहा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इधर लाहौर में जलसा कामयाब बनाने के लिए पीटीआई रहनुमाओं ने डेरे डाल लिए। अफ्तार डिनर से खिताब करते हुए साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा, जलसे में आवाम का समंदर होगा। सदर पीटीआई पंजाब शफकत महमूद का कहना था कि जलसा गांव में आवाम अभी से पहुंचना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई कारकुनों की रैलियां निकाली जा रही हैं। गुलशन रावी में कासिम सूरी, फवाद चौधरी और हमाद असर ने रैली की क़यादत की। गवर्नर का हल्फ लेने से इनकार आइन से नाराफ है। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना है, गवर्नर का हल्फ लेने से इनकार आइन से नाराफ है। नौ मुंतखब वजीर आला के इत्तेहादियों से मुलाकातें जारी हैं। हमजा शहबाज वक्त के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा से मिलने उनके घर पहुंचे और साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही इलेक्शन में जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले विफाक में आइन शक्नी की और अब पंजाब के ऐवान का तकद्दस आइन और कानून का अमाल किया। हसन मुर्तजा का कहना था कि गवर्नर अपनी जगह गैर आइनी हरकतें कर रहा है। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क और सूबे के लिए ज़रूरी है। इससे कबल लीगी रहनुमा अता तारड़ की सालगिरह का केक भी हसन मुर्तजा की रिहाइशगाह पर ही काटा गया। बाद में नौ मुंतखब वजीर आला रुकन सूबाई असम्बली असद खोकर से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। हेडलाइंस आपने मुलाइजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।